मॉर्निंग सेवेंथ क्लास बच्चों, यहाँ पर हमारे द्वारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल अध्ययन किया जा रहा था। इसमें आपने मानचित्र जो भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में थे उनका अध्ययन किया था, जो दो शताब्दियों के डिफरेंस को बता रहे थे, लगभग 600 वर्ष के अंतराल पर मैप के बनाने की तकनीक और उसके अंतर्गत किस तरह से प्रेजेंट किया जाता था स्थानों को, उसके बारे में आपने देखा था। फिर आपने नई और पुरानी शब्दावलियों के बारे में पढ़ा था। नई और पुरानी शब्दावलियों के अंतर्गत आपने हिंदुस्तान और विदेशी जैसे शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयास किया था। यहाँ पर आज हमारे द्वारा इतिहास और उनके स्रोत के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। बच्चों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आपके द्वारा सिक्स्थ क्लास में गुप्त वंश और हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी। यहाँ आज इस बुक के अंतर्गत जो सेवन्थ क्लास का स्टैंडर्ड है आपका, इसमें 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के लगभग हजार वर्षों के इतिहास के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और ये सारी जानकारी भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में ही है, या भारत के इतिहास ब्रैकेट के अंदर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक की जानकारी आपके इस सेवन्थ क्लास के स्टैंडर्ड में दी जानी है। आगे बढ़ते हैं हम। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकारों के द्वारा जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, उनमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकारों के द्वारा इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य जिसे भवन निर्माण कला भी कहते हैं, और लिखित सामग्री पर निर्भर रहा जाता है। मतलब जो हमने पिछले साल पढ़ा था इतिहास की पुस्तक के अंतर्गत, उसमें हमारे मुख्य स्रोत जो इतिहास की जानकारी के लिए थे वो भी लगभग यही थे, सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य और लिखित सामग्री। लेकिन इस समय विशेष का अध्ययन करने के लिए जो आपका 700 से 1750 का है, इसमें ये सामग्रियां तो रहेंगी, प्लस साथ में और भी कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिससे हम इतिहास की सही जानकारी, इस समय विशेष के इतिहास की सही जानकारियों को प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम करने लगे थे। बच्चों, यहाँ पर आपके एक उदाहरण दे रहे, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कागज के मूल्य या वैल्यू ऑफ पेपर के बारे में आप दो प्रसंगों की तुलना कर रहे हैं। एक प्रसंग आपके 13वीं शताब्दी का है, 13th century का, और दूसरा आपका 14वीं शताब्दी का है। मतलब 100 वर्षों के अंतराल कागज़ के मूल्य में कितना परिवर्तन आ गया, उससे रिलेटिव टू एग्जांपल आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से हैं, ध्यान से समझना। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास कई किताबें, कॉपियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने इस क्लास को तो पढ़ लिया, इस किताब को तो पढ़ लिया, अब हमारे आगे चलकर ये किताब या पुस्तक हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, उस पांडुलिपि, उस किताब को या तो रद्दी में भेज देते हैं या किसी और को वो किताब दे देते हैं। इसी तरह से उस व्यक्ति के द्वारा जिसे एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसके पास कागज़ नहीं था, तो उसने क्या करा, जो पुरानी पांडुलिपि उसके पास थी उसको धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। दूसरी घटना देखो आप, एक सदी बाद, एक सदी मतलब 100 वर्षों के बाद ही, अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो इसे हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार उस वस्तु को कागज़ में लपेट कर देता। मतलब कागज़ 14वीं शताब्दी में 100 वर्षों के बाद ही इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाने लगा कि ना केवल पुस्तकें लिखने के ही काम आता था, बल्कि एक तरह से वस्तुओं को बाज़ार में बेचते समय वस्तुएं उसमें लपेट कर भी दी जाने लगी थी, इतना ज़्यादा तादाद में कागज़ का उत्पादन
किया जाने लगा। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में, ये आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अपन चलते हैं। इस पेज के अंतर्गत आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, पहले ऊपर लिखे हुए मैटर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। बड़े पैमाने पर मतलब जब उत्पादन अधिक तेज़ी से बढ़ने लगा तो उसकी मात्रा भी मार्केट में अवेलेबल होने लगी थी। लोग धर्म ग्रंथों, शासकों के वृत्तांतों, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते, करों के खाते मतलब जो टैक्स से प्राप्त आय है, आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे। धनी व्यक्ति, शासक जन जो थे, राजा लोग जो थे, मठ और मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों या अभिलेखागारों में रखा जाता था। यहाँ एक शब्द आया है बेटा, पुस्तकालय और अभिलेखा। पुस्तकालय तो आप लाइब्रेरी को कहते हैं और अभिलेखागार क्या होता है वो आप अभी, मैं साइड में लिखा हुआ है उसको पढ़ के बताऊँगी, पहले पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं। इन पांडुलिपियों एवं दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन भी होता है। यहाँ पर देखो, पहले अभिलेखागार की परिभाषा ही पढ़ लेते हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। बच्चों म्यूजियम शब्द सुना हुआ है, संग्रहालय जिसे हम कहते हैं हिंदी में, अभिलेखागार जहाँ पर पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा जाता है, ऐसा ही एक स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, आज सभी राष्ट्रीय राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलविस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। जैसे आप एक दिन एब्सेंट हो जाते हैं और दूसरे दिन अपने फ्रेंड से होमवर्क लेकर या क्या पढ़ाया था उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और अपनी कॉपी में उतारते हैं, उसी तरह से उस समय में, विशेष में जब छापेखाने विकसित नहीं थे या छापेखाने का आविष्कार नहीं था, तो उस समय लिपिकों या नकलविस के द्वारा क्या किया जाता था, उनकी पांडुलिपियों की कॉपी तैयार की जाती थी। अगर आपने कभी अपने मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि यह काम भी आसान नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट ही समझ में नहीं आती है और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया होगा। फलस्वरूप आपके लिखे में और मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन होते जाते हैं। ये परिवर्तन इतिहास के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं और एक निश्चित समय अवधि के पश्चात पता लगा कि जो वास्तविक मूल प्रतिलिपि थी या पांडुलिपि थी और जो उसकी प्रतिकॉपियाँ फोटोकॉपियाँ तैयार की गई हैं उसमें बहुत अधिक डिफरेंस आ जाता है, उस पर लिखने वाले के विचारों का भी प्रभाव पड़ने लगता है। यहाँ बच्चों एक चित्र सा बना हुआ है, इस चित्र को आप ध्यान से देखोगे तो एक बड़ी सारी किताब और दूसरी छोटी किताब और एक व्यक्ति बड़ी किताब में से देख देख के छोटी किताब कॉपी या किताब के अंदर लगातार कुछ ना कुछ लिखे जा रहा है। इस चित्र के अंदर आपको क्या मिल रहा है देखने के लिए वो हम साइड में लिखे हुए मैटर को पढ़ते हैं। ये एक लघु चित्र की प्रतिलिपि है, इसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्रों या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्ट करने वाले के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहालय या संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लग जाता है। ये यहाँ पर आपके द्वारा जो चित्र देखा गया है इसमें एक नकलविस या एक व्यक्ति है जो बैठा बैठा पुरानी पांडुलिपियों की नई कॉपियाँ तैयार कर रहा है। बच्चों वैसे तो हम कल पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा और मैटर यहाँ पर मैं कल से रिलेटिव जो रहेगा उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। देखो यहाँ पर कुछ लिखे हुई हैं पेजेस से और उन पर लिखा हुआ मैटर है। भाषा ये पता नहीं, अपने को पढ़ने के बाद ही समझ आएगी कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। चित्र दो ये दिया हुआ है, इसके नीचे जो भाषा है उसके बारे में जानकारी दे रखी है। अपन ये पढ़ लेते हैं, बाकी का मैटर कल पढ़ा जाएगा।
लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। देखो, ये फारसी और अरबी भाषा से रिलेटिव हैं। एक फारसी भाषा में लिखा गया वो है दस्तावेज और दूसरा अरबी भाषा में लिखा गया दस्तावेज है। लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नरतालिक रिपि जो बाईं से दाईं में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं, फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर से अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। देखो, दो लिपि के बारे में आपके बारे में यहाँ दे रखा है। एक तो नस्तलिक लिपि जो बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह लिखी जाती है, बाईं ओर में वर्ण जोड़कर लिखी जाती है मतलब, और जो दूसरी वाली होती है उसे हमारे द्वारा शिकस्त लिपि कहा जाता है, दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती जाती है। हम जो हिंदी लिखते हैं ना बेटा, इंग्लिश लिखते हैं, वो आपकी दूसरी वाली है शिकस्त लिपि, और जो आपके द्वारा ये फारसी अरबी भाषा लिखी जाती है ना, जो आपके उर्दू भाषा लिखी जाती है या पंजाबी भाषा लिखी जाती है, ये आपके दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और ये जो आप पढ़ते हैं हिंदी और अंग्रेज़ी, ये आपके बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ये आपकी ये जानकारियों के साथ ही आज की क्लास में आज का लेसन बंद करती हूँ। थैंक यू बेटा।